क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आइए 13 क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। इन अ ट्रेंगल ऑफ बेस ए द रेशियो ऑफ द अदर टू साइड्स इज आर डेट इज लेस देन वन सो डेट द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रेंगल इज लेस देन और इक्वल टू ए आर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक मैं रफली डायग्राम बनाऊँगा। ये मेरा ट्रेंगल ए बी सी हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि ये जो बेस है वो स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये सी है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रा किया ए डी और कह रहा है सो डेट द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रेंगल। इस परपेंडिकुलर को मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ कि ये क्या है, स्मॉल पी है, लेंथ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि जो रेशियो है अदर टू साइड्स का वो स्मॉल आर है जो कि वन से कम है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाले ट्रेंगल के साइड की लेंथ बड़ी है और ये छोटी है, तो छोटा बटे बड़ा करूँगा तो वो लेस देन वन आएगा। और ये मेरा क्या है, ये रेशियो मुझको गिवन में है कि क्या है? आर है, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब मुझको यहाँ साबित क्या करना है कि कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये जो एल्टीट्यूड है वो लेस देन हो या फिर इक्वल हो ए आर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर के। और आर क्या है, सी अपॉन बी की वैल्यू है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूँ तो ये जाएगा हाफ बेस इंटू बी सी, सॉरी पहले मैं बेस इंटू हाइट बाद में लगाऊँगा, पहले जो मेरा जनरल फार्मूला उसको लिखता हूँ। तो बी सी इंटू साइन ए, ये एंगल ये होता है। और एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी ये भी होता है कि हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस तो मेरा ए है और हाइट मेरा पी है, ये भी होता है। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां से देखा जाए तो ये पी की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा और पी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास बी सी साइन ए अपॉन ए, ये हो जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का और प्रयास करता हूँ। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो पी की वैल्यू मेरी आई थी बी सी साइन ए अपॉन ए आई थी, अब मैं इसमें ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी साइन ए अपॉन ए स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ। तो जब ये लिख सकता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आगे कि एक चीज़ और करता हूँ कि इस पी वाले में जो ए बी सी साइन ए अपॉन ए स्क्वायर है, इसमें जो वैल्यू आई है दैट इज साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी को मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। ऐसा मैं कर सकता हूँ क्योंकि ये कैंसिल होगा तो वन ही आएगा। अब ए बी सी साइन ए, इस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन बी प्लस सी और साइन बी माइनस सी अपॉन में, ये हो जाएगा ए स्क्वायर दिस इज और साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, इसको वैसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा साइन रूल को, ठीक है। तो इसको मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करूँगा, इसको वैसे ही लिखे रहने देता हूँ। अब मुझे साइन रूल क्या है इसको थोड़ा सा देख लें, इधर मैं डिस्कस कर लूँ। तो साइन रूल क्या है मेरा कि ए अपॉन साइन ए दिस इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी दिस इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो इसको इसके इक्वल मैं करूँ तो यहाँ से साइन बी की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या होगा, बी अपॉन ए साइन ए होगा। और इसको इसके इक्वल करूँ तो साइन सी की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, सी दिस इज सी अपॉन ए साइन ए होगा। तो ये साइन बी की जगह पर यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ और साइन सी की जगह पर ये लिख सकता हूँ, तो ये मैं करूँगा। तो दिस इज पी इज इक्वल टू ए बी सी साइन ए, दिस इज साइन बी प्लस सी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस ए दिस इज साइन बी माइनस सी, उसी तरीके से अपॉन दिस इज ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर बी की जगह क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर सॉरी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दिस इज साइन स्क्वायर, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर देखूँ तो ये हो जाएगा ए बी सी साइन ए
और दिस इज साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही होगा, और साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, दिस इज साइन बी माइनस सी अपॉन, इसे स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लेता हूँ तो ये ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या ए बी सी साइन बी माइनस सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये मेरे पास बचा। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझको आर की वैल्यू, यहाँ देखिए गिवन में मैंने बताया था आर की वैल्यू क्या है, सी अपॉन बी है, तो यहाँ से मैं इसका आर की वैल्यू यूज़ करूँगा, तो यहाँ लिखूँगा आर की वैल्यू सी अपॉन बी है, तो सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बी आर, यानी सी की जगह पे बी आर लिख सकता हूँ, और यहाँ पर भी बी आर लिख सकता हूँ, तो ए बी इंटू सी की जगह बी आर, जैसे साइन बी माइनस सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी की जगह बी स्क्वायर आर स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, तो पी की वैल्यू मेरी आ जाएगी बी स्क्वायर, ऊपर भी आ जाएगा ए बी स्क्वायर आर साइन बी माइनस सी अपॉन बी स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो गया वन माइनस आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो पी की वैल्यू आ गई मेरे पास ए आर साइन बी माइनस सी अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर, ये पी की वैल्यू आई। अब मुझे पता है कि जो साइन की वैल्यू है वो माइनस वन से वन के बीच लाई करती है, तो इतना तो तय हो गया कि जो साइन बी माइनस सी है वो कभी भी वन से बड़ी नहीं हो सकती, या तो वन के बराबर हो सकती है लेकिन वन से बड़ी नहीं हो सकती, या फिर वन से कम होगी। तो यहाँ से मैं साइन बी माइनस सी की वैल्यू निकालूँ पी के टर्म में अगर, तो क्या हो जाएगा साइन बी माइनस सी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा, या फिर मैं इसी का डायरेक्ट यहाँ इस्तेमाल कर दूँ, या फिर साइन बी माइनस सी की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ, तो अगर यहाँ रखूँ तो ये हो जाएगा पी वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए आर लेस देन आर इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा पी इज लेस देन आर इक्वल टू ए आर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर, तो पी की वैल्यू मेरी जो इसमें पूछा था कि प्रूफ कीजिए सो डैट द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रेंगल इज लेस देन और इक्वल टू ए आर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर, या तो वो लेस देन हो या फिर इसके बराबर हो, तो यही मुझे प्रूफ करना था। तो इस टाइप से मेरा ये 13 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आईआईटी जेई 1991 का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।